तो मैंने ये कहा कि देखिए कुमार ओनली कुमार, तो मैंने ये कहा कि देखिए ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं, और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भापना मेरे लिए असंभव है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीज्योर है ये प्रोसीज्योर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो प्रोसीज्योरल जो लकुना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है, पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहिए वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे, वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको, मैं क्या करें। मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए था, और फाइनल नाम फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को, और क्या सर? ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस 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 यही है, यही है। ज्ञानेश और संधू जी सर पंजाब काडर से हैं, पंजाब से हैं, लिखो देखो ना, पंजाबी बी संधू भी। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं आप, अब आपको विश्वास रहे जो बात है, आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और पहले भी तो और क्या हो सकता, बहुमत थे ही, और क्या हो सकता, तीसरी पक्ष तो नहीं है, अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है, तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की, मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिया। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है, मैं तो उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता ना, सर्च कमेटी मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है, कौन से व्यक्ति कहाँ से ला रहे हैं? आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं एग्जैक्ट क्या, ये बहुमत है उनका, पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि ये बहुमत इनके पास है, सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी, ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता देखो बुलाएगा। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं, मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है,
कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो इससे औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे, इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मैं तो कोई उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ कि तो कोई डिटेल दी गई है ना दादा आपको, कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? मैं वो तो थे ही फाइल में, बाकी जो 4 नाम थे दादा वो 2 पे सरकार आप कह रहे पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया और एक एक मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें दादा, आपने भी कुछ नाम, मैंने प्रोसीजरल बात कही दादा, नहीं मैंने कोई नाम नहीं दिया, आपने कुछ नाम दिया नहीं, मैं अंदाज से कोई अपने नाम मैं नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले, मैं प्रोसीजरल बात किए कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा, कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते थे अपने क्षेत्र से, घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए, ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो, पहले बोल दिया था, मैंने यहां आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से मांग किया था कि मुझे शॉर्टलिस्ट दिया करो, तो शॉर्टलिस्ट का मतलब 212 जन ये मुझे पता नहीं था, मतलब और हुआ जाके देखते हैं शॉर्टलिस्ट 6 जन, मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए उनके बारे में, आप अपनी राय नहीं रख पाए, कैसे रख पाए? तो देखिए केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त, ये तय हो गया है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को हम सुन रहे थे जिन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शंस खड़े किए हैं मीटिंग से बाहर निकलने के बाद।